अक्सर आपने देखा होगा कि बॉलीवुड कलाकार अपने किरदार को लेकर काफ़ी मेहनत करते हैं, उनमें काफ़ी फेरबदल भी करते हैं। तो कुछ समय से बॉलीवुड के अंदर एक बौने के किरदार की जो थीम चली आ रही है वो कहीं ना कहीं चर्चा में बनी रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर, मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। बौने के किरदार के बारे में बात इसलिए कर रहा हूं कि साल 2018 में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की एक फिल्म आई जिसका नाम था जीरो। इस फिल्म में शाहरुख खान ने एक बौने का किरदार निभाया, तो वहीं उसी तर्ज पर अब एक फिल्म आ रही है मरजावा। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख लीड रोल में नजर आएंगे। तो रितेश देशमुख इस फिल्म में एक बौने विलेन का किरदार निभा रहे हैं। जी हाँ, शनिवार को इस फिल्म के दो पोस्टर रिलीज हुए। एक पोस्टर में सिद्धार्थ मल्होत्रा आपको हाथ में गन लिए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी ओर जो दूसरा पोस्टर था उसमें आपको रितेश देशमुख एक बौने के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो कि एक विलेन का रोल है। वो भी अपने हाथ में एक पिस्टल लिए नजर आ रहे हैं और साथ में उन्होंने टैगलाइन दे रखी है पोस्टर पे कि कमीनेपन की हाइट 3 फुट। ऐसे में इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि अब तक बॉलीवुड के अंदर ऐसी कौन सी फिल्में बनी हैं या ऐसे वो कौन से कलाकार हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों में बौने का किरदार निभाया है। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा साउथ के सुपरस्टार कमल हसन का। जी हाँ, 1989 में कमल हसन की एक फिल्म आती है अप्पू राजा, जिसमें उन्होंने 3 अलग अलग किरदार निभाए थे, जिनमें से एक उनका किरदार बौने का था। इस फिल्म में उन्होंने एक बौने सर्कस वाले का किरदार निभाया था। किरदार उनका काफ़ी मज़ेदार था, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अच्छी चली भी थी, और वहीं दूसरी ओर कमल हसन को अपने किरदार के लिए काफ़ी सराहना भी मिली। इसके बाद 2001 में बॉलीवुड सुपरस्टार बॉबी देओल और करिश्मा कपूर की एक फिल्म आई आशिक। इस फिल्म में मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर ने बॉनी का किरदार निभाया था। जॉनी लीवर, वही जॉनी लीवर जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि अपनी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और दमदार हंसी की कलाकारी से उन्होंने लोगों को खूब हंसाया, खूब गुदाया है। तो जॉनी लीवर ने जिस तरीके से इस फिल्म में बौने का किरदार निभाया वह काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। तो दूसरी ओर अगर बात की जाए एक और बौने का किरदार निभाने वाले एक्टर की, तो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर साल 2006 में आई सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्म जाने मन में नजर आए थे। जी हाँ, जाने मन में अनुपम खेर ने एक बौने के आदमी का किरदार निभाया था और इस फिल्म में उनके किरदार को काफ़ी सराहना मिली, उनकी तारीफ भी काफ़ी हुई, क्योंकि इतने दिग्गज और महान एक्टर होने के बावजूद इस तरीके से एक बौने का किरदार निभाना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। इसके बाद नंबर आता है साल 2018 में शाहरुख खान की फिल्म जीरो का। फिल्म जीरो में शाहरुख खान ने एक बौने का किरदार निभाया, हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस से ज़्यादा चली नहीं, लेकिन शाहरुख खान अपने किरदार और अपने जो बौने का जो रोल है उसको लेकर काफ़ी चर्चा में रहे। लोगों ने उनकी तारीफ भी की, उनकी परफॉर्मेंस की भी तारीफ की, लेकिन बॉक्स ऑफिस और फिल्म ने कुछ ज़्यादा खास कमाल नहीं कर पाया। इसके बाद अब बातचीत करते हैं मरजावा की। तो मरजावा एक बार फिर से रितेश देशमुख और जो सिद्धार्थ मल्होत्रा की जोड़ी है वो नज़र आएगी। इससे पहले मोहित सूरी की फिल्म एक ब्लेंड में ये दोनों एक्टर एक साथ नज़र आए थे। इन दोनों के बीच में जो एक ब्लेंड की दुश्मनी थी वो इस फिल्म में भी दिखाई है। एक हीरो है तो एक ब्लेंड है। वहीं इसकी स्टोरी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पोस्टर में नज़र आ रहा है, ये फिल्म काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी ड्रामेटिक और एक्शन से भरपूर होने वाली है। और एक्ट्रेस की बात करें तो इस फिल्म में तारा सुतारिया और रकुलप्रीत सिंह कौर लीड रोल में नज़र आएंगी। ये फिल्म 22 नवंबर 2019 को रिलीज होगी। तो अगर बातचीत की जाए एक और बौने किरदार की, तो मैं आपको बता दूँ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी अपनी एक फिल्म अजूबा में एक बौने का किरदार करते हुए नजर आए। हालांकि वो किरदार उनका एक गाने के अंदर था, मगर जो बौने का किरदार है वो उस चीज़ में नज़र आए। वैसे तो अमित जी 6 फुट से ऊपर लंबाई के हैं और अपनी लंबाई और अपनी आवाज़ और अदाकारी के लिए वो काफ़ी जाने जाते हैं। ऐसे में जो बॉलीवुड के अंदर बौने के किरदार का ट्रेंड चला आ रहा है वो कायम है। देखना ये होगा कि बहुत ऐसी कम फिल्में रही हैं बॉलीवुड के अंदर जहाँ एक एक्टर जब बौने का किरदार निभाता है वो फिल्म हिट हो जाती है। तो क्या मरजावा हिट होती है या नहीं, इस फिल्म का डायरेक्शन जो कर रहे हैं वो मिलाप जावरी कर रहे हैं। मिलाप जावरी ने काफ़ी सुपरहिट फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि रितेश और सिद्धार्थ की ये फिल्म मरजावा बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल कर पाती है या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।